IUI हम तभी करते हैं आइडियली जब आपके दोनों ट्यूब्स ओपन है, आपका एक का रिजर्व अच्छा है और आपके हस्बैंड का स्पर्म का काउंट माइल्डली अफेक्टेड है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल है या माइल्डली अफेक्टेड है। अगर इन तीनों में से कोई भी फैक्टर बराबर नहीं है तो हमें IUI से सक्सेस मिलने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है और मैं एक IVF और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम IUI के बारे में बात करेंगे। IUI मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें हम आपके हस्बैंड का स्पर्म लेके वॉश करके प्रोसेस करके उसको आपके यूट्रस के अंदर छोड़ते हैं, और वो तब किया जाता है जब आपका फॉलिकल रेडी हो, उसके अंदर का एग बाहर आने के लिए ओवुलेशन का टाइम है, उसी टाइम पर हम IUI कर देते हैं। ये नॉर्मल ट्रायल से डिफरेंट कैसे है? तो जब आप नेचुरली ट्राई करते हो तो स्पर्म्स आपके वजाइना में डिपॉजिट होते हैं और आगे का ट्रैवल स्पर्म्स को खुद करना पड़ता है, लेकिन हम IUI में उन्हीं स्पर्म्स को डायरेक्ट यूट्रस में छोड़ रहे हैं, तो उनका काम थोड़ा सा ईजी हो रहा है, लेकिन उसके आगे का काम स्पर्म्स को खुद करना है, उनको खुद जाके एक तक पहुंचना पड़ेगा, फर्टिलाइज करना पड़ेगा, एम्ब्रियो बनाना पड़ेगा, और वो एम्ब्रियो अगर इम्प्लांट होगा तो प्रेगनेंसी होगा। इसीलिए हर IUI साइकिल में प्रेगनेंसी के चांसेस करीब करीब 15-20% तक होते हैं। अगर आप 2-3 बार IUI ट्राई करोगे तो क्यूमुलेटिवली 45% केसेस में प्रेगनेंसी हो जाता है। 2-3 IUI के बाद भी अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है तो बेटर ऑप्शन है कि आप उसके आगे के लेवल का ट्रीटमेंट ट्राई करें, जो है IVF, जिसमें हम एम्ब्रियोज और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वो सब बाहर करते हैं, और डेफिनेटली वहाँ पर इससे ज़्यादा सक्सेस के चांसेस मिल जाते हैं। नॉर्मली जब आप IUI कर रहे हो तो इट्स अ सिंपल ट्रीटमेंट, उसमें आपको टैबलेट्स दिए जाएंगे, सेकेंड डे से फॉलिकुलर स्टडीज होंगे आपके, एक आध इंजेक्शन लगेगा फॉलिकल रप्चर करने के लिए, बट इन द होल प्रोसेस यू कैन कंटिन्यू योर वर्क। आपको ऐसे छुट्टी वगैरह लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ जिस दिन हम वो प्रोसीजर कर रहे हैं उस दिन में भी आपको हाफ डे का लीव वगैरह लग सकता है। और IUI हम तभी करते हैं आइडियली जब आपके दोनों ट्यूब्स ओपन है, आपका एक का रिजर्व अच्छा है और आपके हस्बैंड का स्पर्म का काउंट माइल्डली अफेक्टेड है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल है या माइल्डली अफेक्टेड है। अगर इन तीनों में से कोई भी फैक्टर बराबर नहीं है तो हमें IUI से सक्सेस मिलने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। IUI का कॉस्ट, ये एक आपके सवाल में बहुत आपके दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि इस ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना रहेगा। तो सीमेन वॉश करके आपके यूट्रस के अंदर छोड़ने का कॉस्ट, मतलब IUI प्रोसीजर का कॉस्ट रफली 7,000-8,000 होता है। उसके अलावा आपको मेडिसिन लगेंगे और फॉलिकुलर स्टडी, सो रफली 10-11,000 में ये पूरा ट्रीटमेंट आपका हो जाता है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।